तो ग्रेविटेशन इफेक्ट में हम क्या कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे थे, उन्हीं प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर बात करते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है दो बॉडीज के बीच में, वो कैसे एक्ट होता है, दोनों बॉडी के सेंटर को जो लाइन जोड़ती है उसके अलोंग लगता है। मान लो जैसे ये हमने एक बॉडी कंसिडर की ए और सेकेंड बॉडी कंसिडर की बी, अब जो लाइन इन दोनों बॉडी के सेंटरों को जोड़ रही है ये वाली लाइन, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों बॉडीज के सेंटरों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तो इसीलिए इस फोर्स को नाम दिया जाता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को नाम दिया जाता है किसका, सेंट्रल फोर्स का, सेंट्रल फोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों है कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। क्या डिपेंडेंट फोर्स है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। अब जैसे मान लिया दो बॉडी है हमारे पास, ये ए बॉडी सेकेंड बॉडी बी, अब इन दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है आर, वो कंसिडर कर लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, इस बॉडी का मास आप कंसिडर करो 4 kg, इसका कंसिडर करो 7 kg। तो अब इस केस में हम क्या निकालते हैं, इस फार्मूले से इन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जो फोर्स है एफ कॉन्स्टेंट की फॉर्म में निकालेंगे। जैसे पहली बॉडी का मास हमने कितना कंसिडर किया है 4, दूसरी बॉडी का कंसिडर कितना किया है 7, डिवीजन में आएगा आर इज वन स्क्वायर, तो रिजल्ट रहा हमारे पास क्या 28 जी मल्टीप्लाई में एज इट इज रहे, तो ये हमारे पास न्यूटन की फॉर्म में फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या करते हैं, हमने पहला केस लिया, जिस केस फर्स्ट केस लिया जिसमें हमने आर को कंसीडर किया क्या 1 मीटर, डिस्टेंस जो है वो क्या कंसीडर किया 1 मीटर। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट अगर समझे, जैसे डिस्टेंस को अब आप 2 मीटर कंसीडर करो, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड देखेंगे, बॉडीज यही रहेंगी ए और बी, मासेस भी यही रहेंगे, जस्ट डिस्टेंस को वेरी किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, जी 4 एज इट इज आएगा, 7 एज इट इज आएगा, 2 स्क्वायर होगा, तो रिजल्ट आएगा 28 ऑफ जी, डिवीजन में क्या जाएगा 4, तो न्यूटन की फॉर्म में काउंट करें कैंसिल किया तो रिजल्ट आया 7 जी न्यूटन। तो यहां से फोर्सेस देखें, फर्स्ट केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड ये, दूसरे केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड ये, इट मींस यहां से अगर बात करते हैं दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें वेरिएशन होती है, मींस बॉडी की पोजीशन वेरी करी, तो क्या हुआ, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। अब ये बात मैटर नहीं करती कि हमने बॉडी की पोजीशन 1 मीटर से 2 मीटर कैसे वेरी करी, कैसे इन दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस या तो बढ़ाया गया या घटाया गया, ये चीज मैटर नहीं करती। ये फोर्स जो है किससे डिपेंड करता है, यहां से हमने मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हुआ है एज पर डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज होने की वजह से बॉडी की पोजीशन चेंज वेरी करने की वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का वो वेरी कर रहा है। तो इसलिए इस फोर्स को किस फोर्स की फॉर्म में काउंट किया जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स की फॉर्म में काउंट किया जाएगा। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा वो वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है, नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, बट स्टिल इम्पोर्टेंट, उसके बावजूद भी क्या है ये इम्पोर्टेंट है, जो 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो यूनिवर्स है उसकी बर्थिंग के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, मासिव बॉडी जो है जो स्पेस में यूनिवर्स में क्या कर रही है मोशन भी है वो इस फोर्स की वजह से है। ठीक है, जो प्लेनेटरी मोशन है, प्लेनेटरी मोशन जैसे अगर बात करें हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है उसके अराउंड डिफरेंट इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेनेट जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसमें थर्ड ऑर्बिट में हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, तो जितने भी प्लेनेटरी मोशन है उन सभी के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इन मासी बॉडीज के बीच में जो प्लेनेट्स हैं सन है सोलर सिस्टम में उनके बीच में कौन सा फोर्स रोल प्ले कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स।